हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल एंड वेलकम टू द चैनल इसी एली। एवरीबडी कैन लर्न इंग्लिश, हर कोई अंग्रेजी सीख सकता है, आप भी अंग्रेजी सीख सकते हैं। वेलकम टू द चैनल। कैसे आप लोग? सही आप लोग, आई होप बिल्कुल ठीक हो गए, फैंटास्टिक हो गए, जिंदाबाद हो गए। और आज हम पढ़ेंगे वुड लाइक टू हैव। क्या पढ़ेंगे आज हम? वुड लाइक टू हैव पढ़ेंगे। हमने वुड बी की, सॉरी वुड लाइक टू और वुड लाइक टू बी की क्लास हमने पढ़ ली है। आप आई होप आपने देख ले होंगे, सेंटेंस भी आपने बना लिए होंगे, प्रैक्टिस भी आपने कर ली होगी। और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है, सेंटेंस नहीं बनाया, क्लास नहीं देखी है, तो जाइए, जल्दी से जाइए, आप क्लास को देखिए और आप सेंटेंस बनाना देखिए, अंग्रेजी बनाना बोलना शुरू कीजिए। तो मैं वुड की बात करूँ तो वुड लाइक टू हैव की, ये बहुत क्या, बहुत पीसफुल वर्ड है, बहुत पीसफुल और बहुत ही पोलाइट इंग्लिश के लिए यूज़ होता है, बहुत पोलाइट इंग्लिश के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। वॉट वुड लाइक टू हैव, ऐसे बोल सकते हैं, वॉट वुड लाइक टू हैव, आप क्या चाहेंगे, तो आप इसी से बनेगा। लेकिन यूरोप पे ये वर्ड एक चीज़ से डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा। वुड के तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे वुड वाले, लेकिन वुड लाइक टू बी, वुड लाइक टू हैव, ये वाले बहुत मुश्किल से, मैंने तो अभी तक देखा नहीं है, मैंने सर्च भी किया तो नहीं मिला। तो आपके लिए यूनिक चीज़ है, कहीं पर नहीं मिलेगी, सिर्फ सिर्फ आपको ECLE पर, एवरीबडी कैन लर्न इंग्लिश के चैनल पर आपको मिलने वाला है। साथ ही आज हम पढ़ने वाले हैं वकीब। वकीब हम हर बार की तरह आपके बीच में लाता हूँ वकीब, और आपके लिए मैं याद भी कराता हूँ, सेंटेंस सब कुछ कराता हूँ। तो फर्स्ट वकीब आप देख लीजिए, ओके, बिना टाइम वेस्ट किए, का है इंटीग्रल। इंटीग्रल मीन्स होता है अभिन्न, जिसका जिसका जो भिन्न पार्ट ना हो, जैसे ही मोबाइल, ये क्या है, यह क्या है, ये है पेन, और पेन का ये क्या है, कैप। तो ये अलग अलग देखने को तो अलग अलग दिख रहा है, लेकिन क्या अभिन्न पार्ट है, क्योंकि अगर यह कैप नहीं होगा, अगर यह क्या नहीं होगा, कैप नहीं होगा, तो ये स्याही है, ये सूख जाएगी, वो सूख जाएगी तो लिख सकती नहीं है। तो इसका हम बोल सकते हैं कि अभिन्न पार्ट है, बिल्कुल हम बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। इससे हम बोल रहे हैं इंटीग्रल। इंटीग्रल मीन्स होता अभिन्न, अभिन्न। तो बोल सकते हैं कि ढक्कन पेन का अभिन्न पार्ट है, बोल सकते हैं कैप इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ पेन, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। दूसरा वर्ड है इंडोर्ड। इंडोर्ड मीन्स होता है क्या, संपन्न, ये हो गया इंडोर्ड, क्या है, ENDOED। इंडोर्ड मीन्स होता है संपन्न, इंडोर्ड मीन्स होता है संपन्न व्यक्ति, तो संपन्न जिसके पास सब कुछ हो, ओके, बोल सकते हैं फुली संपन्न, सब कुछ हो जिसके पास। तो क्या आप संपन्न बनना चाहोगे? वुड लाइक टू बी इंडोर्ड, बिल्कुल बना सकते हैं, ऐसा बैलेंस सकते हैं। सेंटेंस बनाकर आपको प्रैक्टिस करोगे, कब भी नहीं बोलोगे सेंटेंस को। दूसरा है नोटेड। नोटेड मीन्स होता है प्रसिद्ध या प्रख्यात, ऐसे हम प्रख्यात बोलते हैं, प्रसिद्ध है, तो हम बोल सकते हैं कि सांची, सांची विश्व में प्रख्यात है, सांची स्तूप विश्व में प्रख्यात है, तो बोल सकते हैं सांची स्तूपा इज नोटेड इन द वर्ल्ड, बोल सकते हैं सांची स्तूप इज नोटेड इन द वर्ल्ड। ठीक है, एक दूसरा नोट होता है, वो नोट करना होता है, लेकिन ये क्या है, ये है एडजेक्टिव, क्या है, एडजेक्टिव। अब हम अगली बार से क्या करूँगा, आपको बता दूंगा कौन नाउन है, कौन एडजेक्टिव है, ओके, कौन वर्ब है, ओके। दूसरा है पे ओबिसेंस। पे ओबिसेंस ये वर्ब है, पे ओबिसेंस भी वर्ब भी होता है, एक इसका मतलब माथा टेकना या फिर आज्ञा का पालन करना। अगर ओबिसेंस की बात करें, OBESANCE, एक होता है ओबीसे, ओबीडेंट होता है, एक ओबिसेंस, इसका आज्ञा पालन है, श्रद्धाश है, तो मतलब माथा टेकना। मैंने ये वर्ड है एक न्यूज़पेपर से निकाला, मतलब पे ओबीसी माथा टेकना, जैसे मंदिर वगैरह जाते हैं, मस्जिद जाओ, या फिर आप गुरुद्वारा जाओ, बुद्ध विहार जाओ, या फिर कहीं भी जाओ जहाँ रिलीजियस प्लेस होता है, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जाते हैं तो माथा श्रद्धा से माथा टेकते हैं, मतलब श्रद्धा से, मतलब पे ओबीसेंस। तो बोल सकते हैं कि हम मंदिर के सामने माथा टेकते हैं, हम मंदिर के सामने माथा टेकते हैं, तो क्या होंगे, बी पे ओबीसेंस इन फ्रंट ऑफ टेम्पल, बी पे ओबीसेंस इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल आसानी से हम बोल सकते हैं। लिखना है, प्रैक्टिस करना है, लिखना है, प्रैक्टिस करना, आप बिल्कुल साइंटिस्ट को बना लोगे। यह कोएर्सिव, क्या है कोएर्सिव, कोएर्सिव मीन्स होता है बलपूर्वक, को COERCIVE, कोएर्सिव मीन्स होता है बलपूर्वक, क्या होता है, बलपूर्वक होता है, जैसे हम बल, मतलब जो बलपूर्वक, जैसे क्या होता है कि एट्रोसिटी होती है, तो कोई बलपूर्वक किसी की ज़मीन छीन ली, अन्यत्याचार कर लिया, या फिर किसी दूसरे बल का यूज़ कर सकते हैं जो बलपूर्वक, तो हम बोल सकते हैं कि डाकुओं ने बलपूर्वक, नहीं अलग बनाओ, थोड़ा अच्छे बनाओ, ठीक है, आराम से बनाओ, जैसे उसने बलपूर्वक ज़मीन छीनी, उसने बलपूर्वक जमीन छीनी, तो ही स्नेच्ड कोएर्सिव,
लैंड, ओके ही स्नेच लैंड कोर्ट से, बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है, ये भी हो गया अपना। दूसरा देखो अलिज्ड, अलिज्ड मीन्स होता है आरोप लगाने का, अक्यूज मीन होता है आरोपी, और ये होता है अलिज्ड, ए डबल एल ई जी, अलिज मीन्स होता है आरोप लगाना, आरोप लगाना बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो आप क्यों आरोप लगाना चाहते हो, आप क्यों उस पर आरोप लगाना चाहते हो, वाई डू यू वॉन्ट टू अलिज्ड, वाई डू वॉन्ट टू अलिज्ड हिम उस पर, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ में। तो ये अपनी छः मीनिंग्स थी, छः सात मीनिंग्स थी, आपको यह मीनिंग की सेंटेंस बनाने हैं, और मेरा विशेष अनुरोध है कि आप इस सेंटेंसेस को आप कमेंट बॉक्स में भी बनाएं, या फिर ECL का टेलीग्राम चैनल, एवरीबॉडी कैन लर्निंग का टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी आप भेज सकते हैं, ओके। तो हम साथ ही आगे बढ़ते हैं, और अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ना लिया हो तो आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके, थैंक यू फॉर टेकिंग द स्क्रीनशॉट। और हम आगे बढ़ते हैं, वुड लाइक टू हैव, क्या हम पढ़ेंगे आज, हम वुड लाइक टू हैव की आज हम क्लास पढ़ने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा शानदार और बहुत ही यूनिक है, मैं मानता हूँ कि यूनिक है, हम यूज़ तो करते हैं लेकिन ज़्यादातर इंटरनेट पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो इंटरनेट पर ही समझो कि नई चीज़ है, ओके, अपने पास यूनिक है, और आई होप यह आपको समझ में आएगा। और यह क्या इसका मतलब होता है, पास चाहेगा, पास चाहेंगे, पास चाहेंगे, तो मैं बात करूं कि इसका सेंस आएगा, सेंस मीन्स तो भाव आएगा पास होने का, जैसे मुझे बुखार है तो भाव है ना, सेंस है उसका भाई है, ठीक है, मतलब पास चाहेगा, ठीक है, तो ये चाहेगा चाहेगी कि सेंस में हम यूज़ करते हैं। और बहुत ही पोलाइट इंग्लिश की हम बात करें, बहुत पोलाइट, बहुत ज़्यादा आदरपूर्वक, ज़्यादा पोलाइट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं और यूज़ हम करते हैं। तो हम पहचान पर जाते हैं, ओके, तो पहचान पर हम जाने से पहले देख लो इसकी इसकी पहचान है, चलो यहाँ लिखते हैं, दूर यहाँ लिखते हैं, ठीक है, पास चाहेगा, पास चाहेंगे, पास चाहेगी, पास चाहेगा, पास चाहेंगे, पास चाहेंगे, ठीक है, और ठीक है, तो ये इसकी क्या है, पहचान है, ठीक है, तो पहचान को मैं आप समझ गए होगे, मिटा देता हूँ, मैं ऊपर लिख देता हूँ, पास चाहेगा, पास चाहेंगे, पास चाहेंगे, ठीक है। इसका क्या सेंस आएगा, सेंस मीन्स भाव आएगा, तो बना टाइम वेस्ट की हम स्ट्रक्चर क्या, हम क्या लेते हैं, सेंटेंस लेते हैं, आप कोई सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि वह पेन चाहेगा, वह पेन चाहेगा, ठीक है, मैं पुस्तक चाहूँगी, क्या चाहोगे आप, मैं पुस्तक चाहूँगी, गर्ल होगी, मैं पुस्तक चाहूँगी, ठीक है, बच्चे खिलौने चाहेंगे, ये मेरा फेवरेट है, बच्चे खिलौने चाहेंगे, बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ओके, और मैं नहीं लिखो, वो शिक्षा चाहेंगे, बोल सकते हैं, चाहेंगे, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, हम दया चाहेंगे, ठीक है, तो कुछ ऐसे वर्ड है, और बाकी पूरा अपना खुला आसमान लिखा है, ठीक है, खुला पूरा वर्ड है, तो आप ऐसे सेंटेंस हम बना सकते हैं, ठीक है, वुड लाइक टू हैव से बनेगा, वुड लाइक टू हैव से, ओके। तो हम यहाँ जाते हैं, क्या सबसे पहले देखो, हम स्ट्रक्चर पर जाते हैं, तो स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया है वुड लाइक टू बी वुड लाइक टू हैव में स्ट्रक्चर लगभग सेम है, थोड़ा सा बस क्या है, थोड़ा सा चेंजेस है, लेकिन उसी में स्टूडेंट क्या कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसे मैं स्ट्रक्चर में आपको हर बार लिख जाता हूँ स्ट्रक्चर, और एक की छः सेंटेंस हम बनाना मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हूँ स्ट्रक्चर की बात करें तो हम ये अपन ने लाइन खींच दी, ओके, तो देखो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वुड प्लस लाइक आएगा, प्लस टू आएगा, ठीक है, ध्यान, वुड लाइक टू हमने कल बी का यूज़ किया, तो आज हम हैव का यूज़ करेंगे, वुड लाइक टू हैव, ठीक है, फिर नाउन आएगा या फिर एडजेक्टिव आएगा, या तो नाउन आएगा या फिर हम क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, क्या नाउन है क्या, एडजेक्टिव, ऐसे नेगेटिव देख लो, नेगेटिव, बाकी आई होप आप सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर बना सकते हो, मुझे ऐसा विश्वास है, ठीक है, वुड के बाद नॉट आएगा, ध्यान रखना, वुड के बाद नॉट लगेगा, लाइक के बाद नॉट नहीं लगेगा, ठीक है, फिर लाइक हो गया, फिर टू हो गया, हैव हो गया, ठीक है, प्लस नाउन एडजेक्टिव, एन फॉर नाउन, ए फॉर एडजेक्टिव, फिर हम जाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में, तो सब्जेक्ट लगा दो, ठीक है, वुड आ गया, ठीक है, वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस लाइक आएगा, ठीक है, प्लस टू आएगा, और प्लस इसमें हैव आएगा, ठीक है,
नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव, ये तीन सेंटेंस में ऐसे फोर्थ बना लो, फोर्थ वाल इंट्रोगेटिव नेगेटिव बोलते हैं, एक तो मैं आपको बताता नहीं है कौन किसका, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बोलता हूँ, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ये हो गया, ठीक है। सब बोर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट के बाद लाइक आएगा, प्लस टू आएगा, प्लस हैव आएगा, और नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव वो तो आएगा ही, ठीक है। ऐसे ही हम क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं, क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव बोलते हैं, आप मैं ऐसे ही बोलूँगा, तो बोर्ड आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, फिर लाइक आएगा, प्लस टू आएगा, प्लस हैव आएगा, और नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव तो आएगा ही, ओके। ऐसे इंटरोगेटिव का क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा, क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव नेगेटिव तो देख लो भैया, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, प्लस लाइक लगेगा, ठीक है, प्लस टू आएगा, हैव और नॉन ऑब्लिक एडजेक्टिव, थोड़ा सा टेढ़ा सा हो गया, ठीक है। अब हमने ये स्ट्रक्चर लिख लिया, अब हमें क्या बनाना है, हमें अब हमें सेंटेंस बनाने हैं, सेंटेंस को हम बनाते हैं, तो हम सबसे पहले आसान वाला बनाते हैं, ओके, बहुत ज़्यादा, और हम कल दो दिन हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो वह पेन चाहेगा, क्या आएगा, वह पेन चाहेगा, मुझे पता नहीं बनेगा कि नहीं बोर्ड पर, लेकिन मैं कोशिश करूँगा, वह पेन चाहेगा क्योंकि बड़ा है, ही वुड लाइक टू हैव पेन, ही वुड लाइक टू हैव पेन, वह पेन नहीं चाहेगा, वह पेन नहीं चाहेगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो कैसे बनाएंगे, क्या आएगा, ही आएगा, ही के बाद वुड, वुड के बाद नॉट लगेगा, यहाँ स्ट्रक्चर में देखते रहना, ठीक है, फिर लाइक आएगा, ही वुड नॉट लाइक टू हैव पेन, क्या वह पेन चाहेगा, ऊपर यहाँ देख लो, क्या वह पेन चाहेगा, क्या वह पेन चाहेगा, क्या वह पेन चाहेगा, क्या वह पेन चाहेगा, तो क्या आएगा, वुड आगे आ जाएगा, कि वुड आएगा, देखो वुड ही लाइक टू हैव पेन, वुड ही लाइक टू हैव पेन, क्या वह पेन नहीं चाहेगा, क्या वह पेन नहीं चाहेगा, बना भैया, क्या वह पेन नहीं चाहेगा, नहीं चाहेगा, क्या आएगा, वुड ही के बाद नॉट, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, वुड ही नॉट लाइक टू हैव पेन, लाइक टू हैव पेन, थोड़ी सी मैं जो फॉन्ट थोड़े से अक्षर में थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूँ, वह पेन कैसा चाहेगा, कैसा चाहेगा, ठीक है, तो जो पेन चाहेगा सेंस है, सेंस है, पास चाहने का सेंस है, कैसा, तो कहेगा हाउ वुड ही लाइक टू हैव पेन, ठीक है, बन गया, बिल्कुल बन गया, वह पेन कैसे नहीं चाहेगा, कैसा नहीं चाहेगा, वह पेन कैसा नहीं चाहेगा, हो सकता है उसको दूसरा पेन चाहिए, ठीक है, तो कहेगा हाउ, यहाँ देख लो, ये वाला रेड पेन से मैं करता हूँ, ये वाला इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना ले, ये वाला, यहाँ ए, तो हाउ, हाउ के बाद बोर्ड है, इनके तो बोर्ड देख लो, है कि नहीं है बोर्ड, तो हाउ बोर्ड ही के बाद नॉट लाइक टू हैव पेन, ये क्वेश्चन वर्ड का निशान लगा दो, निशान लगाना मैं भूल जाता हूँ, ठीक है, तो ऐसे हमें सेंटेंस को हमें बनाने हैं, उसकी हमें प्रैक्टिस करनी है, और आप यकीन मानिए, अगर आप 10 से 12 सेंटेंस बना रहे हो, एक की 6 वाले, मतलब प्रतिदिन 60 सेंटेंस उसके आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि किस प्रकार मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जो मैं क्लास पढ़ाता हूँ ECLE की, जो इस चैनल है, तो इस पर मैं सेंटेंस, डिफरेंट सेंटेंस नहीं बताता हूँ। मेरा ये मानना है कि अगर आप एक बार सीख जाएंगे इन सेंटेंस को बनाना, तो आप किसी प्रकार के जो ट्रिकी सेंटेंस है, थोड़ा सा अलग सेंटेंस हो, उनको ही आप बना सकते हो। और हाँ, अगर आप ना बना पाओ, आपको लग रहा है थोड़ा सा, तो मैं वो भी क्लास बाद में लाऊंगा, लेकिन आपको सबसे पहले मेरा उद्देश्य, मेरा पर्पस है कि यू शुड हैव लर्न इंग्लिश, यू शुड मेक दिस सेंटेंस, यू शुड लर्न मेक दिस सेंटेंस, हाउ टू मेक दिस सेंटेंस, सेंटेंस हम कैसे हम बनाते हैं। तो मैं पुस्तक चाहूंगी, तो मतलब पुस्तक हम पास चाहते हैं, मैं पुस्तक चाहूंगी, मैं पेन चाहूंगा, तो मैं पेन चाहूंगा, तो पेन अपने पास रहेगा,
पास है, पेन कोई क्रिया नहीं कर रहा, तो आपको बहुत ध्यान से सेंटेंस को बनाना है, मैंने बताया है बहुत अच्छे से, ठीक है। नीचे से बात करते हैं, हम दया चाहेंगे। दया मीन्स क्या होता है? कंपैशन। क्या होता है? कंपैशन। हम दया चाहेंगे तो वी वुड लाइक टू हैव कंपैशन। हम दया चाहेंगे, फिर से कहूँगा, वी वुड लाइक टू हैव कंपैशन, कंपैशन, कंपैशन। हम दया नहीं चाहेंगे, वी वुड नॉट लाइक टू हैव कंपैशन। क्या हम दया चाहेंगे? वुड बी लाइक टू हैव कंपैशन। क्या हम दया नहीं चाहेंगे? वुड बी नॉट लाइक टू हैव कंपैशन। हम क्यों दया चाहेंगे? क्यों क्यों दया होनी चाहिए? Why would we like to have compassion? हम दया क्यों नहीं चाहेंगे? Why would we not like to have compassion? ऐसे आपको 6 sentences को प्रैक्टिस करना है। अगर पहली बार देख रहा हो ना इस वीडियो को, तो आपको सेंटेंस पहले देख के प्रैक्टिस करना है, फिर बिना देख के प्रैक्टिस करना है सेंटेंस को, ओके। और हाँ, अगर आप को अगर पूरा कोर्स देखना है तो फ्री कोर्स है, ECLE का बैच है, प्लेलिस्ट में जाइए, फर्स्ट वीडियो से लास्ट तक लगभग आज ये 57 वीडियो है लगभग ये, तो आप सेंटेंस बनाना स्टार्ट कीजिए, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। आई होप आप सेंटेंस बनाना सीख जाओगे। उसके साथ ही मैं आपके बीच में क्या लाया हूँ कि आपके लिए रीडिंग का भी सेशन ला रहा हूँ, कि वो रीडिंग में भी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस में जाते हैं, वो शिक्षा चाहेंगे। वो क्या? हम भी चाहते हैं। दोज वुड लाइक टू हैव एजुकेशन। वो शिक्षा नहीं चाहेंगे। Those would not like to have education. क्या वो शिक्षा चाहेंगे? Would those like to have education? क्या वो शिक्षा नहीं चाहेंगे? Those would not like to have education. वह शिक्षा क्यों चाहेंगे या किस लिए चाहेंगे? For what would those like to have education? वो शिक्षा किस लिए चाहेंगे? For what किस लिए नहीं चाहेंगे? Sorry. For what would those not like to have education? मैं पुस्तक चाहूँगा, जो लड़की चाहूँगी। आई वुड लाइक टू हैव बुक। मैं पुस्तक नहीं चाहूँगी। आई वुड नॉट लाइक टू हैव एजुकेशन, सॉरी बुक। क्या मैं पुस्तक चाहूँगी? वुड आई लाइक टू हैव बुक। क्या मैं पुस्तक नहीं चाहूँगी? वुड आई नॉट लाइक टू हैव बुक। मैं पुस्तक क्यों चाहूँगी? किस लिए चाहूँगी? किसकी तरह चाहूँगी? किस कब यूज़ कर सकते? कैसी पुस्तक चाहूँगी? कब कब चाहूँगी? किस समय चाहूँगी? क्वेश्चन वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। मैं पुस्तक किस समय चाहूँगी? एट वट टाइम वुड आई लाइक टू हैव बुक। मैं पुस्तक किसकी तरह नहीं चाहूँगी? एट वट टाइम वुड आई नॉट लाइक टू हैव बुक। किस समय नहीं चाहूँगी? बोल सकते हैं ऐसे प्रयास करते हैं। बच्चे खिलौने चाहेंगे, गे 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 गे। इसको आपको ट्रांसलेट करना है, बच्चे पुस्तक चाहेंगे, ओके। तो हम जाते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। मैंने आपने इतना सब कुछ पढ़ लिया, तो आपको अब करना क्या है कि आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करनी, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। उसके बाद हम स्टोरी भी, हम जैसे बस स्टोरी करेंगे तो हम आपको हम स्टोरी बनाना भी सिखाएंगे, टॉपिक बनाना भी सिखाएंगे। तो अगर हम टॉपिक बनाते कैसे, क्योंकि अगर हम सेंटेंस तो हम पढ़ रहे, ग्रामर पढ़ रहे, प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, अगर हम उसको सेंटेंस के फ्रेम में, पैराग्राफ के फ्रेम में अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। लेकिन ये लर्निंग है, आपको पेशेंस बना रखना है। मैंने बोला था मैं 6 महीने इंग्लिश पढ़ाऊंगा, ऐसे वैसे नहीं है। ECLE के भाई 3 महीने में, 2 महीने के, 30 दिन में इंग्लिश कैसे सीखें, 6 दिन में इंग्लिश कैसे सीखें, 1 घंटे में इंग्लिश कैसे सीखें, अपना वो वाला काम नहीं है। अपना सीधा सीधा है ईमानदारी के साथ, भाई ग्रो होगा, लेट ग्रो होगा, लेकिन जो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो 100% आपके लिए यूज़ होगा, क्योंकि बेस्ट नहीं पढ़ा रहा, जो भी पढ़ाऊंगा 100% यूज़ पढ़ा रहा हूँ, यूजफुल रहेगा, स्पोकन के पर्पस है। मैंने भी ऐसे इंग्लिश सीखी, जो स्टूडेंट को मैं पढ़ाता हूँ उनसे पूछ लेना, अगर आपको विश्वास ना हो तो मुझे फ़ोन करना, ओके बात करा दो, मेरे कौन भाई ऐसे इंग्लिश पढ़ा रहा है, तो वो उससे मैं बता दूंगा भाई कैसे इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, और मैं स्टूडेंट को भी लाऊंगा। बस थोड़ा सा वेट कीजिए आप लोग। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो वॉकअप पड़ी है वो आपको, जो कहाँ डालने हैं आपको वॉकअप, कहाँ डालने हैं ध्यान करो, कहाँ डालने, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, उसका सेंटेंस बनाना, तो आपके लिए यूजफुल रहेगा, आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, मेरा भी रहेगा कि यस मैं आई एम गेटिंग द रिस्पॉन्स, मैं रिस्पॉन्स प्राप्त कर रहा हूँ। तो इंग्लिश 6 महीने की है अपनी, 1 घंटे इंग्लिश नहीं है। अगर अपना साथ होगा तो 6 महीने का होगा, 1 वीडियो का, 1 दिन का साथ नहीं होगा। इसलिए जो भी मेरे साथ चल रहा है उसको मेरे 6 महीने तक साथ चलना पड़ेगा। अगर आपको विश्वास है तो, विश्वास नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि ये तो भाई ओपन प्लेटफॉर्म है, आएंगे लोग, आएंगे जाएंगे,
ओके, तो आज के लिए इतना ही। आपका खूब ख्याल रखें, कल हम मैं प्रैक्टिस क्लास लाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।